की राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस और गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केशरिया टेरर को कांग्रेस पार्टी की देन बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन किसी भी सूरत पर बीजेपी को नहीं हरा सकता, चाहे गठबंधन के लोग अपने साथ कांग्रेस और प्रियंका वाड्रा गांधी को भी मिला। वे बोले, अब की बार एक नए किस्म का गठबंधन हुआ है जिसमें बुआ बबुआ और दादाजी शामिल हुए हैं, क्योंकि अजीत सिंह अब दादा की उम्र के हो गए हैं। साथ ही उन्होंने अजीत सिंह और जयंत चौधरी पर डायरेक्ट अटैक किया। वे बोले, अगर कुछ न करने वाले सांसद का खिताब किसी को देने हो तो जयंत और अजीत सिंह हैं। साथ ही राहुल के सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाली बात पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा सेना का अपमान कर क्या साबित करना चाहते हैं, किसके लिए वो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करके लौटी तो पाकिस्तान नेता और राहुल गांधी की चेहरा एक जैसा था। दरअसल अमित शाह की ये योजना बागपत के दोगर की हुई। उन्होंने अपने स्टाइल में वोटरों को साधने का प्रयास किया। अपने संबोधन की शुरुआत में अमित शाह ने बागपत की जनता को जुदा का टुकड़ा कहकर संबोधित किया। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और आगामी समय में पूरा भुगतान करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 5 साल में हमने 58,000 करोड़ का भुगतान कराया, जबकि बाकी भुगतान 5 अप्रैल तक 75% करने की बात है। उन्होंने कहा, मोदी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान के हमले के बाद उन्हें भी नहीं पता था कि ये यूपी की जनता द्वारा चुना गया पीएम है, जिसके जवान 13वीं से पहले ही पाकिस्तान में घुसे और वहां बमबारी की। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के नेता और राहुल बाबा का मुंह एक जैसा। मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूँ, ये काम के लिए राहुल गांधी ने पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, जरा जोर से बोलो, मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं मांगेंगे वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करेंगे। अभी यूपी में अलग प्रकार का गठबंधन हो गया, बुआ भतीजा और दादा तीनों इकट्ठा हो गए। अभी जिंदगी की आगे वो दादा होने के लायक है, परदादा होने के लायक है या नहीं है, वही जरा जोर से बोलो, है या नहीं है। उनको लगता है तीनों इकट्ठा हो जाएंगे तो भाजपा हार जाएगी। मैं आपको इस मंच से चौधरी चरण सिंह की भूमि पर से कहने आया हूँ, साथ में कम पड़ता हो तो राहुल बाबा और पीएनआर वाड्रा को भी मिला लो, भाजपा को आप हरा नहीं सकते हो। उत्तर प्रदेश के अंदर 20 साल के बाद कानून और व्यवस्था का राज भारतीय जनता पार्टी लाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पलायन कराने वाले पलायन हो गए हैं, पलायन कराने की किसी की हिम्मत नहीं। एक गुंडे दिन दहाड़े बहन बेटियों माँ बेटियों का अपमान करते थे, पुलिस उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं करती थी। आज योगी सरकार ने गुंडों को थाने में उल्टा लटका कर सीधा करने का काम किया। मैंने तो दैनिक जागरण में ग्रह से देखा, 10 बड़े दबंग आरोपी गले में स्लेट लटका कर बुले के दरोगा जी हमें अरेस्ट कर दो, एनकाउंटर मत करना, कलेजे पे ठंडक पड़ती है ठंडक पड़ती है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था का राज करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नहीं पढ़ाई है उनको, लगता है कि मोदी जी को सवाल पूछकर देश की जनता के मन में शंका पैदा करेंगे। डोकलाम में भी वो ही किया था, सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त भी वो ही किया और एयर स्ट्राइक के वक्त भी यही किया। मैं बागपत की जनता को पूछने आया हूँ, आपको नरेंद्र मोदी पर भरोसा है या नहीं है बताओ, जो जरूरी है आतंकवादियों का बदला लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए।
सब चीख चीख करके कह लेना चाहिए। राहुल बाबा के गुरु श्याम पिटोड़ा है, वो कहते इनसे बातचीत करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। उनको मारकर क्यों क्या मिलेगा? क्यों है पिटोड़ा, आपके चचेरे भाई लगते है क्या? आपकी पार्टी की जो नीति होगी वो होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरी पार्टी की नीति अफर है, वो गोली चलाएंगे, हम गोले से जवाब देंगे, वो ईंट फेंकेंगे, पत्थर से जवाब मिलेगा। हमारे जवानों की जान सस्ती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार इसकी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो ये देश की सुरक्षा का मामला है। अभी अभी इनकी इन लोगों की तुष्टिकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति का एक और उदाहरण आया। समझौता एक्सप्रेस पर बम ब्लास्ट हुआ था, उन्होंने कहा ये बम ब्लास्ट हिंदू समुदाय ने करा है।